आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। ठाकुरगंज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है। हत्या करने के बाद आरोपी अपनी पत्नी के शव को घर में छोड़कर फरार हो गया था। घटना के दो सप्ताह बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कैंपल रोड में एक हत्या की सूचना मिली, जिसमें अमन साहू नाम के व्यक्ति ने ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंद देशवर जो उसका बहनोई था उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया, उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट, सारे चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया और सारे CCTV फुटेज वगैरह सब चेक किया गया, सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया गया। तो ये आज अभियुक्त आनंदेश्वर ये गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि में ये कृष्णानगर थाने की तरफ जो है जब ये भाग रहा था तो वहाँ पर ये अरेस्ट हुआ है। इससे पूछताछ पर इसने बताया कि इसके और इसकी पत्नी के बीच में पैसे को लेकर के और शराब पीने आदि को मांगने इसको लेकर के झगड़ा आए दिन होता रहता था। इसके अतिरिक्त कुछ इन लोगों में आपस में अवैध संबंधों को लेकर भी आशंका थी, जिसको लेकर के विवाद होता रहता था और उसी विवाद के तहत इसने एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें इसने अपने दोनों बेटों को कोई नशीली पदार्थ पिलाया, दवा पिलाया, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद जो है इसने अपने पत्नी को जो है चाकू जो किचन में रखा था उससे गोद करके हत्या कर दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे। चाकू बरामद हो गया है इसके निशानदेही पर और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई आपराधिक उस तरह का प्रोफेशनल आपराधिक व्यक्ति नहीं है, ये पेशे से MR है और फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये इस तरह का था, ये आपसी विवाद था, घरेलू विवाद था पति पत्नी का, जिसके कारण की हत्या हुई। जी, ये चूंकि मैं जैसा बताया कि ये सुनियोजित तरीके से इसने ये हत्या को अंजाम दिया, तो इसने सबसे पहले तो वह समय चुना जबकि इसके घर पे कोई नहीं था। जैसे कि इसका बड़ा लड़का वो गूंगा और बहरा है, वो सो रहा था, तो उस समय जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो सुनाई नहीं दे सकती थी। इसका जो छोटा बेटा है उसको स्कूल ले गया था तो वो भी मौजूद नहीं था। ऐसे समय में इसने हत्या किया और हत्या करने के बाद बड़े ही नॉर्मल तरीके से स्कूल जाकर अपने छोटे बेटे को वहाँ से ले आया घर पे और उसको भी रास्ते में ही जो है वो नींद की बेहोशी वाली दवा दे दी, जिससे कि वो भी जो है बेहोश हो गया और उसको भी कुछ जानकारी नहीं रही। बाद में जब उसको होश आया तो उसने अपने ननिहाल फ़ोन किया तो फिर उसके जो है मामा ने, जो अमन है, इसने जो है अभियोग पंजीकृत कराया है। तो ये और यहाँ से जब ये गया है तो DBR भी ले गया और यहाँ से सीधे कलकत्ता गया, वहाँ से फिर वाराणसी गया, तमाम सारे जगह ये घूमता रहा बार बार और मोबाइल भी बहुत कम यूज करता था। तो इसके घर वाले भी कोई बहुत जानकारी नहीं दे पाए और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी नहीं इसके बारे में मिल पाता था। CC कैमरे जो थे वो चूंकि लोकल लेवल पर तो पता चले कि हाँ यहाँ से ये गया है, लेकिन ये कहाँ गया ये चीज़ें जो बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन हमारी पश्चिमी जोन की जो क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम है उसने सभी चीज़ों को जो है टेकअप किया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है इसको अरेस्ट किया गया है।